गुरुग्राम जो मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब जो प्रतीक है तरक्की का, आधुनिकता का। यहाँ पर आपको शहरी चकाचौंध भी दिखेगी और आर्थिक विकास की तस्वीर भी। एक गुरुग्राम ये है, इसकी ऊंची इमारतें देख आंखें चुंधिया जाती है। इन इमारतों का वास्तुशिल्प भी इन्हें एक अलग तेवर देता है। यहाँ दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। यहाँ से हरियाणा को सबसे ज्यादा कमाई होती है। यहाँ के लोग प्रति व्यक्ति आय में सिर्फ चंडीगढ़ और मुंबई से पीछे हैं। दिन की चमक यहाँ अलग होती है, रात की रोशनियों की झिलमिलाहट अलग। यहाँ के लोग बेशक खुश हैं अपने काम से, अपनी सरकार से, अपने सांसद से। इस वक्त हम गुड़गांव के सेक्टर 15 में हैं। पार्ट 2 का ये इलाका आता है, काफी डेवलप्ड ये एरिया लग रहा है, पार्क वगैरह भी है। कुछ लोग भी यहाँ पर, यहाँ के जो नागरिक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नो डाउट टू फील एनीथिंग, यहाँ राव इंद्रजीत, क्योंकि इसके पहले तो बात है, कोई इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि इसने कोई गलत कोई इसके ऊपर कहे, वो एक पैसे खा गए, एकदम ईमानदार सभी का बंदा है। और दूसरा, यहाँ जब गुड़गांव में कितने फ्लाई ओवर जी, इनकी मेहरबानी से, फिर अपना डिफेंस का एकेडमी भी खुलवाए, एम्स भी खुलवाए, तो क्यों नहीं चाहेंगे लोग। मेन मोदी जी के उसमें जी, मोदी जी ने जो नाम किया है वर्ल्ड में, सबसे अलग है जी। और बसने से इतना फास्ट हुआ, ग्रोथ हुआ है कि यहाँ पहले हैंड टू माउथ लोग थे। अच्छा। हाँ, और अभी जो यहाँ पर इतना वो हुआ है कि अभी लोग सभी संपन्न आदमी यहाँ पर हो गए हैं। बीजेपी के साथ हैं हम लोग। अच्छा। काफ़ी अच्छा माहौल है देश का, काफ़ी इन्होंने, मोदी जी ने डेवलपमेंट किया है। लेकिन इन शानदार सड़कों से होती हुई हमारी गाड़ी अचानक एक दूसरे गुरुग्राम में दाखिल हो जाती है। यहाँ एक अलग हिंदुस्तान बसता है। चूल्हे और झोपड़ी वाला हिंदुस्तान, अपनी पेंशन का इंतजार करता हिंदुस्तान। सुड़ाका गांव में 65 साल की अमरूदी अपना चूल्हा दिखाती हुई कहती है कि सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंची। मैंने फार्म भी भर दी, दो दो जगह भी रहा, आए ना कह रहा काम भरा भी जाडे से में हूँ, सब नहा गए सब लोग, कुछ ना नहीं हो पाया काम, ना पाए ना गए से ना हम पे तो लकड़ी ना वही धान तो अपने टाइम पास कर रहा गुजार। यही हाल नन्हे खां का है, जो जर्जर झोपड़ी दिखाते हुए कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र न होने के चलते उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। सरकारी योजना के तहत आपको पक्का मकान नहीं मिल पाया? नहीं जी, कुछ नहीं मिला अब तक। हाँ हाँ हाँ। भर लेके फार्म, कुछ नहीं मिला। कितनी उम्र हो गई आपकी? 67 साल उम्र है जी, पेंशन और नहीं मिलती। अच्छा, पेंशन भी नहीं मिलती आपको? नहीं मिलती है जी, गांव ऑफिस में भी ना। हाँ। मेरा नाम आया नु कई भाई बोला, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र तो गिर गया मेरा, जो पहला है ना वो गिर गया गेहूँ के खेत में, लावणी करते हैं ना, पाया ही नहीं। फिर जन्म तिथि लावणी कहाँ, स्कूल का मैंने अभी वो भी नहीं देखा, डंडा भी ना, ये परू मांगते मैं कहाँ से लाऊं परू। गांव के दूसरे लोग भी मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत से नाराज हैं और बदलाव की बात करते दिखे। बिजली नहीं आती, पानी का बुरा हाल है, पढ़ाई का बिल्कुल बुरा हाल है। अब के तो इंद्रजीत को सुपना साफ है, बच्चे अनफट घूमते हैं, कोई ना स्कूल में, ना पानी, ना लाइट, कुछ नहीं, ना मजदूरी, बेरोजगारी। यही रहेगा जी, आगे कांग्रेस सरकार बनाएंगे और आगे काम अच्छा होएगा हमारे लिए, कांग्रेस सरकार। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए हालात बदलेंगे? बदलेंगे जी। अच्छा। हाँ जी। क्यों ऐसा लगता है? ऐसे लग रहा है कि जी 10 साल अभियान ने गुजार दी। लेकिन जब हम बैसी गांव पहुंचे तो यहां शबाना अपना गैस चूल्हा और सिलेंडर दिखाती है।
यहाँ लोग राव इंद्रजीत से खुश थे, उनके लिए साफ सुथरी छवि मायने रखती है। हमारी आवाम ने, मेवात ने भाजपा के लिए एक भी एमएलए नहीं दिया, एक भी एमएलए नहीं दिया। हमारी तीन विधानसभा सीटें हैं, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना, नूह, तीनों सीटों में हमारा कोई एमएलए नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सरकार ने यहाँ पे किसी तरह से मेवात को पीछे नहीं छोड़ा। हम वोट देंगे चेहरा देख के, वो चेहरा इंद्रजीत है, अच्छा है, सभी को साथ लेके चलते हैं, हम उसी को अब से पहले से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे यहाँ से। और हमारे यहाँ विकास हुआ है मेवात में भी, आयुष्मान भी बने हैं, बीपीएल भी बने हैं। अच्छा। जो कि किसानों के लिए फ़ायदा हुआ है, हर चीज़ में फ़ायदा मिला है, अनाज वगैरह खूब मिल रहा है टाइम से, जो सुविधा गवर्नमेंट दे रही है वो तकरीबन सारी हमको मिल रही है। गुरुग्राम लोकसभा सीट में तीन जिले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूह। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को तीसरी बार मैदान में उतारा है। वो गांव-गांव में जनसभाएं कर रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी को नकारते और राज बब्बर को बाहरी बताते हैं। गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर तीन जिले पड़ते हैं, मेवात पड़ता है, गुड़गावा प्रॉपर पड़ता है और उसके अलावा रेवाड़ी जिला भी पड़ता है, तो इन तीनों जिलों के अंदर लोगों के सामने चाहे सड़क हो और चाहे ट्रेन्स हो और चाहे एम्स जैसी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करी हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में कोई कसर भारत सरकार ने नहीं छोड़ी है, तो हमारे पीछे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं लग रही। अच्छा, आपके खिलाफ कांग्रेस ने राज बब्बर को खड़ा किया है, क्या लगता है चुनौती आपको दे पाएंगे, क्योंकि अभिनेता भी वो रहे हैं, उसकी अलग एक पॉपुलैरिटी है, तीन बार लोकसभा, दो बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, मंझे हुए राजनेता भी वो कहे जाते हैं, चुनौती है? मेरे को लगता है कि मेरे से ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं आप आज क्योंकि आप मंझे हुए राजनेता हैं, क्योंकि राज बब्बर आज के दिन मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर कोई हरियाणा का लड़ रहा होता तो शायद मेरे से ये क्वेश्चन आप पूछते भी नहीं। राज बब्बर ये भी कह रहे हैं कि आप लंबे वक्त से सत्ता में थे लेकिन सीवर की, बिजली की और पानी की जो किल्लतें हैं वो अभी भी बनी हुई हैं, और इसी मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त तक ये थे लेकिन ये काम अभी भी अधूरे हैं, कचरे की एक बड़ी दिक्कत वो बता रहे हैं। वो एक राजनेता सुलझे हुए हैं, ये इस चीज़ का परिणाम इससे मिल जाता है कि जो मुद्दा केंद्र के इलेक्शन का ना हो उसको सामने ला रहे हैं। जब हम अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर अभी बहुत गुंजाइश है, ये बात आप मानते हैं? बहुत एक लंबा सफर जो है वो तय करना है, क्योंकि जब आप अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ अभी भी बुनियादी दिक्कतें मौजूद हैं। आपसे तो कहीं आगे निकल गए, तो आज के दिन जो हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो गुड़गांव के अंदर पैसा जो उत्पन्न होता है उससे हो रही है, बराबर के तौर के ऊपर उस पैसे को बांटा जाता है, लेकिन आपकी बात में दम है। इस बार आसान नहीं लग रहा है, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र जैसी जो सीटें हैं माना जा रहा है वहाँ पे टफ फाइट मिल रही है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या इस बार 10 में से 10 आ पाएंगे? वही अभिनेता और राजनेता राज बब्बर कॉन्फिडेंट है, वो लोगों के बीच जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राज बब्बर राव इंद्रजीत को राजा बताते हैं और शपथ लेते ही गुड़गांव की समस्याएं दूर करने का वादा भी करते हैं। मेरे पास तो मुद्दे जो हैं बहुत साफ हैं कि मैं चुनाव जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, और मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं, वो बड़े आदमी हैं, बड़ा नाम है उनका, मंत्री हैं, मैं तो इस लिहाज से उनके मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जनता यहाँ की जो हालात से त्रस्त है। राव इंद्रजीत कहते हैं कि मैं गुड़गांव के लोगों का परखा हुआ बंदा हूँ, यहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं, जांचा परखा हुआ है उन्होंने मुझे, लेकिन वो आपको आउटसाइडर कह रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं या मोदी जी से कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं। मेरे ख्याल से गलतफहमी हो गई, वो जरूर मोदी जी से कह रहे होंगे, वो उनकी आपस की पार्टी का मसला है, मैं तो देश का जो है पहचाना हुआ नागरिक हूँ, और मेरे यहाँ मेरी बहनें भी आई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है, उनके मुकाबले का जो है कोई महल नहीं है, है छोटा सा। बीच का इसको इसको बेटा यहाँ रोकना है, देखा इनको दिखाइए कि यह शहर क्या आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या? पर जनता को लगता है कि वादे करके नेता जो है वो चले जाते हैं।
मेरी डेडलाइन है कि अगर मुझे यहाँ की जनता ने मुझे सांसद बनाकर दिल्ली भेजा तो पहली बात तो ये पहले दिन से मेरा वादा है कि मैं सरकारी कोठी में रहने के लिए यहाँ सांसद नहीं बन रहा हूँ। हम इसकी शुरुआत जो है शपथ लेने वाले दिन से उसके एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे वो लाइन थी ना कि मेरे पास में ये बिल्डिंग है, मेरे पास में ये बिल्डिंग है, वो दीवार फिल्म का, तो जब छोटा सी बात पूछते तुम्हारे पास में क्या है, वो कहता है मेरे पास में माँ है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि इनके पास में जात बिरादरियाँ हैं, मेरे पास में गुड़गांव की जनता है जो मुझे प्यार से अपनी बाहों में ले रही है। तो गुरुग्राम की ये बनावट और बसावट है, एक तरफ पुराने गांव है और एक तरफ नए दौर का चमचमाता शहर। लेकिन पूरे गुरुग्राम की अपनी राय बटी हुई है। शहर का माहौल गांव से अलग है और एक गांव का मन दूसरे गांव से बिल्कुल अलग। हरियाणा के अलग अलग गांव की अलग अलग कहानियां हैं। कहीं पर सरकारी सुविधाएं पहुंची हैं, तो कहीं पर आज भी पक्के घरों का इंतजार है, कच्चे चूल्हों पर खाना बन रहा है। इन लोगों को भी एहसास है कि वो लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक हैं, लेकिन फिर भी हर चुनाव से उन्हें एक आस होती है कि हालात बदलेंगे। नू जिले के सुडाका गांव से अपने सहयोगी सुशील राठी के साथ मैं अदिति राजपूत, NDTV इंडिया।